लड़कियां हर शोबे में लड़कों से आगे जा रही है। अगर हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी डीसी साहिबा भी वो भी एक लड़की है और हमारे समाज को ज़रूरत भी है, मतलब लड़की पढ़े आगे जाए, आगे जाकर इंशाल्लाह 12th में भी टॉप करना है और उसके बाद मेरा गोल है नीट, इंशाल्लाह नीट हाई मार्क्स उसे क्रैक करना। कश्मीर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। ज़िला बारामूला तहसील पटन के अंदरगाम इलाके की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे साथ लड़की बैठी हुई है सिमरन फारूक, जिसने अपने गांव में टॉप किया है 96% मार्क्स हासिल किए 10वीं जमात में। मैं आपको बताता चलूँ, सिमरन फारूक की जो कोचिंग हुई है वो भी प्राउड कोचिंग सेंटर हैदराबाद से हुई है। सिमरन, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन। जो मैंने एलकेजी से मैंने पढ़ा है शेखुल आलम इंग्लिश मीडियम मॉडल हाई स्कूल अंदरगाम में, जहाँ के टीचर्स ने मेरी बेस बनाई, जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे इस अचीवमेंट में। उसके बाद फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और कोचिंग की है प्राउड कोचिंग सेंटर हैदराबाद से। जो ही मैंने अपना 9th क्लास उसमें मैंने पास किया वो, तो उसके बाद मैं करना चाहती थी कोचिंग, और मुझे सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर जो लगा, जहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, मुझे वो प्राउड कोचिंग सेंटर लगा, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूसुफ लोन सर है, जिन्होंने हमें बहुत फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेल की, हर हमें बहुत हमारा वहाँ पे ऑलमोस्ट सिलेबस 100% कंप्लीट किया वहाँ पे, हमारे क्लास टेस्ट वहाँ पे रेगुलरली होते थे। प्राउड कोचिंग सेंटर में हमें स्कूल जैसा माहौल मिलता था, वहाँ पे जैसे स्कूल में होता है हर मतलब टीचर अच्छा सा बच्चन पर हमेशा नज़र, वैसे ही हमारा जो प्राउड कोचिंग सेंटर वहाँ पे CCTV कैमराज भी लगे हैं, जिनसे वो बच्चों को परखते हैं हम क्या शिकारा, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और अब मैंने 10th 11th में भी वही ज्वाइन किया है प्राउड कोचिंग सेंटर, क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी एवर है, जो भी हमारे एरियाज़ की कोचिंग सेंटर है उनसे सब मुझे लगा सबसे अच्छी फैकल्टी जो वो प्राउड कोचिंग सेंटर में है। 96% मार्क्स हासिल करना एक बड़ी बात है अपने आप में, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था और इतने हाईली मार्क्स आपने हासिल किए? मैंने पहले गोल बना रखा था कि 470 अबो मुझे लाने हैं, और अल्लाह का शुक्र मैं अपने गोल में कामयाब हो गई। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन भी इक्वली रहा है, और मेरी मेहनत भी, मैंने मेहनत अब आगे जाकर क्या कुछ गोल आप करेंगे? आगे जाकर इंशाल्लाह 12th में भी टॉप करना है, और उसके बाद मेरा गोल है नीट, इंशाल्लाह नीट हाई मार्क्स उसे क्रैक करना। सिमरन, कुछ पेरेंट्स की ऐसी सोच है जो कि अपनी लड़कियों को खाली घर पे रखते हैं, कह रहे कि लड़की का आगे जाना, लड़की का बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्या कुछ मैसेज पेरेंट्स तक छोड़ना चाहूँ? देखिए, अगर हम आज देखें तो लड़कियां हर शोबे में लड़कों से आगे जा रही है। अगर हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी DC साहिबा भी वो भी एक लड़की है, तो हम और हमारे समाज को ज़रूरत भी है, मतलब लड़की पढ़े आगे जाए। तो मेरी मैसेज यही रहेगी सोसाइटी को, उन पेरेंट्स को, कि वो अपनी मतलब गर्ल्स को सपोर्ट करें और उन्हें आगे जाने का मौका दें। क्या कुछ मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ना चाहोगी जिनका अगले साल 10th का एग्ज़ाम होगा, किस तरह की प्रिपरेशन और क्या कुछ मैसेज आपकी जान से? मेरी उन तक मैसेज यही रहेगी कि पहली बात जो है हार्ड वर्क है, पहली बात जो है वो मतलब तो मेहनत करनी है, और दूसरी बात अगर वो कोचिंग करने का सोच रहे तो प्राउड कोचिंग सेंटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट में सक्सेस के पीछे सबसे, अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें, सबसे जो ज़्यादा हाथ है मम्मी या पापा या अंकल? हाथ तो सभी का है, बट अंकल जो मेरे हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन होता था या कुछ भी, मैं सब इनसे मतलब डिस्कस करती थी और उन्होंने हर बार मेरे कन्फ्यूजन को दूर किया। हमारे साथ सिमरन फारूक, जिसने अंदरगाम तहसील पटन के गांव अंदरगाम इलाके की अगर हम बात करें, जिसने अपने गांव में टॉप किया है। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, तब तक आप अपने मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।